हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरे अगल बगल जितने भी सारे चीजें दिख रहा है, इस सब चीजें जो है बिल्कुल नकली है। यहाँ पर आपको बुक सेल्फ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक फ्लावर ट्रे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लांट सेल्फ दिख रहा होगा, यहाँ आपको टेबल लैम्प दिख रहा होगा, ये सब कुछ बिल्कुल नकली है दोस्तों। यहाँ तक कि ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड भी नकली है। मेरी जो ओरिजिनल वीडियो है वो कुछ इस तरह की वीडियो है। मैंने अपने ग्रीन स्क्रीन में इस तरह की वीडियो को शूट किया है, लेकिन मैंने AI की मदद से कुछ इस तरह से अपने स्टूडियो को डिजाइन किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक नहीं बल्कि कई सारे, जैसे कुछ इस तरह डिजाइन, इस तरह, ये सारी जो मैंने की है, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में AI की मदद से किया है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको ये पता होगा कि एक यूट्यूबर के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए, उसके स्टूडियो होना, उसके स्टूडियो का सेटअप अच्छा होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एक स्टूडियो का अच्छी तरीके से सेटअप होना उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वीडियो के आउटपुट बहुत अच्छा आते हैं, देखने में अच्छा लगता है, एक ऑडियंस को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस तरह की बैकग्राउंड को, एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। दो तरीका है प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल आउटपुट चाहते हैं तो आपको जो है एडोबी फोटोशॉप से करना है, वहां पर भी आपको फ्री में मिलेगा। अगर आपके पास एडोबी फोटोशॉप नहीं है, आप जो है किसी भी वेबसाइट की मदद से करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो है फायरफ्लाई में जाना है, तो ये जो मैंने आपको सबसे पहले कर लेना क्या है, एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि मैंने क्या इस तरह की वीडियो के बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए। तो जो भी आप एडिटर यूज करते हैं, उस एडिटर में जो है अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद में जो भी आप कलर ग्रेड करना चाहते हैं, जिस तरह जो भी वीडियो को अपने कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। करने के बाद वहां पर आपको जो है कोई भी वीडियो में से कोई सा भी एक फ्रेम ले लीजिए। फ्रेम लेकर वहां पर एक फ्रेम को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है एडोबी, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वहां से आप जो है एडोबी फायरफ्लाई में जाना है। वहां पर जाकर अपने क्रिएटर फील्ड को सिलेक्ट करके इमेज को अपलोड कर देना है। जिस तरह की आप बैकग्राउंड चाहते हैं वहां पर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो भी चीजें लगाया है, जैसे बुक सेल्फ, वहां पर आपको इरेजर मिलेगा। इरेजर पे क्लिक करके आप जो है बस आपको कमांड देना है, बुक सेल्फ कमांड देंगे तो वहां पर आपको बुक सेल्फ बनकर आ जाएगा। जिस तरह की आप कमांड देंगे वो सारी चीजें बनकर आएगा। दोस्तों, ये जो AI है ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक क्रिएटर के लिए। बिना कोई स्टूडियो के, बिना कोई सेटअप के, अपनी स्टूडियो को, अपने वीडियो को जो है अमेजिंग बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं AI को यूज करके अपने बैकग्राउंड को एक प्रोफेशनल लुक देना, एक स्टूडियो में बदलना, इसका एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में, इस वीडियो की कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको एक अलग से ट्यूटोरियल बनाकर दे दूंगा कि किस तरह से आप AI की मदद से, AI को यूज करके अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को एक प्रोफेशनल स्टूडियो में बदल सकते हैं और अपनी वीडियो के आउटपुट को बेहतरीन और अच्छा लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।